साथ है 28 जनवरी के लिए? यस सर। कौन कौन लाइव है? सर लाइव है सर। यस सर। लाइव है? यस सर। तो मेरी क्या क्लास थी? ग्राफिक्स का क्लास था। ग्राफिक्स किस किस का क्लियर है? अगर PMI आती है तो बना सकते हैं, PML आती है तो बना सकते हैं, 63P आती है तो बना सकते हैं। हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 90% हमारी रिसेट की लाइन खराब होती है, लाइन खराब तो होती है। क्या हमको उसको रिवर्स ट्रेस करके विदाउट डायग्राम के निकाल सकते हैं? उनको निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। अच्छा, आज हमारा सातवां दिन है। कौन सा दिन है? सातवां दिन है। क्या आपने तीसरे दिन CPU लगाया था? यस सर। क्या आपने चौथे दिन CPU और तीसरे दिन पावर लगाया था? यस सर। दूसरे दिन कोई सी भी IC निकाल के रिवोल्व करने में सक्षम थे? यस सर। हैंड स्किल के साथ थे कि मतलब नीचे वाला काम था? और आज भी क्या है, आपने डुअल डेकर निकाला? तो हमारा हम मतलब क्या प्रैक्टिकल वाला इंस्टीट्यूट है कि थ्योरी वाला इंस्टीट्यूट? जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। अगर आपको पूरे इंडिया में सब कुछ देख रहे हैं तो कौन कौन अपनी जमानत देना चाहेगा कि मेरी जमानत जमानत पे अच्छा आएगा तो बढ़ जाएगा? किस किस की फीस वसूल हो गई? सात दिन में वसूल है सर? देखो 7 दिन में इनकी फीस वसूल है। इनको वो नॉलेज मिला है और ईमानदारी से टीचरों ने भी पढ़ाया इनको, राइट? क्या कभी ऐसा हुआ कि सवेरे 7 बजे क्लास लगी है आपकी और रात को फिर 10 बजे गए? 11-12 घंटे हुए ना भैया? हम तो 15 घंटे बोलते नहीं, हम तो 10 बोलते हैं कि हम 10 से 12 घंटे क्या पढ़ाते हैं? हम 10 से 12 घंटे 15 घंटे भी होते हैं ना। चलिए ठीक है, तो मैं सबसे पहले आऊंगा जुनैद के पास। तो जुनैद ये बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज ग्राफिक्स का क्लास 10 बजे ग्राफिक्स का क्या नॉलेज था और अभी 9 बजे रात को क्या नॉलेज है? सर नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल। यस सर। अच्छा, दूसरों में और हमारे में क्या खूबी है? दूसरों में सर वही अपना डिपेंड रहते हैं बोर्ड नियो पे, अपने स्केचमेटिक पे, हम अपने ऊपर है कि हमें अपने आप सर्किट को पहचानना है, सर्किट को अपना वोल्ट चेक करना है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, सब चीज चेक करनी है। अगर मैं आपसे ग्राफिक्स में पूछूं कि अगर आपका ग्राफिक्स नहीं आता तो पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, चौथा कौन सा करना है, स्टेप बाय स्टेप पता है कि नहीं पता? यस सर बिल्कुल पता है। अगर मैं बोलूं कि ग्राफिक्स का लाने के लिए आप DSO का इस्तेमाल करो तो लाइव DSO का इस्तेमाल किस किसने करा है? yes, हमने किया है। लाइव DSO का लाइन ट्रेस करने में हम सक्षम हैं। yes, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज अपना। मेरा नाम लकी सोलंकी है। लकी सोलंकी, आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास। यस सर। तो बताइए मेरे को कि ग्राफिक्स की क्लास में अभी ग्राफिक्स बनाने में 10 बजे क्या नॉलेज था और अभी रात के 9 बजे क्या नॉलेज? सर अभी ग्राफिक्स के बारे में सुबह तो कुछ जानकारी नहीं थी, अभी आप बोलो तो मैं बोर्ड पे IC ड्रॉ करके बता सकता हूँ। जो सर आपने IC ड्रॉ करके बता सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 15 बॉल्स हो, वो PMI हो, PML हो, 63P हो। यस सर। कोई सी भी IC, कोई सी भी ग्राफिक की प्रॉब्लम से अगर मेरे पास मोबाइल आता है सर, मैं उसे 110% कंफर्म कर दूँ, कंफर्म करके बना के। यस सर। चलिए ठीक है, अगर DSO की जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे आप? फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे अगर सर, फ्रीक्वेंसी से अपन को सही पता नॉलेज लग जाएगी अपन को क्या है क्या। दूसरी बात, ये तो ग्राफिक्स हो गया, इसका प्रैक्टिकल भी किया हमने। अब प्रैक्टिकल के बाद अब ये बताइए मुझे कि इसके प्रैक्टिकल के बाद ये बताइए मुझे कि आपका हैंड स्किल भी पूरा कंटिन्यू चालू है? हाँ सर, रोज हो रहा है। रोज हो रहा है सर। तो हेड स्किल भी जरूरी है, लाइनों का नॉलेज भी जरूरी है, डायग्राम के साथ भी चाहिए, विदाउट डायग्राम के साथ भी चाहिए। तो तीनों चारों चीजें मिल रही है हमको? सब मिल रहा है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, अब ये बताइए कि सातवें दिन अब क्या पोजीशन पे बैठे हो आप और ग्राफिक्स का सवेरे क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज है? सर सुबह तो वैसे कुछ भी पता नहीं था क्या होता है ग्राफिक्स क्या था, उसके बाद जब पढ़ाया अच्छी तरह से आप इस टाइम तो मतलब कोई भी ग्राफिक्स किसी भी किस्म का होगा तो उसको हम पूरा टेस्ट कर लेते हैं सर, किसी भी तरीके से उसको बना के। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सर मैडम जय जी। तो जय, चेहरे पे ये मुस्कान, दुकान बंद करके आए हो, फीस लगा के आए हो, तो जो रिव्यू दोगे सच्चा दोगे कि झूठा दोगे? सच्चा दोगे। तो क्या बोलना चाहोगे राजस्थान वाले को कि अभी 7 दिन में क्या पोजीशन हो गई है? सर 7 दिन के अंदर मतलब अभी तक जो नहीं सीखा था ना उससे अच्छा सीख सके सर 7 दिन। अच्छा, और हैंड स्किल की आप कितने साल से मोबाइल की रिपेयरिंग? 10 साल से। तो 10 साल का करियर खत्म हो गया 7 दिन में? यस सर। बोल सकते हैं सर? बिल्कुल सर। हैंड स्किल कैसी है अभी आपकी? बहुत बढ़िया सर। हैंड स्किल बढ़िया है आपकी? लाइनों का नॉलेज? लाइनों का नॉलेज बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप कोडिंग समझ रहे हैं? कोडिंग बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर एक बार अगर कोडिंग बताई जाती तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं आपको? सारी चीजें समझ में आ जाती। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। निकेतन कहाँ से हैं आप? नेपाल से। तो निकेतन 10 बजे क्या नॉलेज था निकेतन नेपाल को और अभी 9 बजे क्या नॉलेज है? अभी तक तो कुछ भी नॉलेज नहीं था सर, अभी तो हम जो सा मोबाइल का ग्राफिक्स भी फिक्स कर सकते हैं सर।
फिक्स कर सकते हैं। भैया 90% इंस्टीट्यूट तो ऐसे होते हैं कि जो खाली ग्राफ खाली डायग्राम देख के और लाइनें खींच के पढ़ाते हैं। हेलो यस सर, क्या ऐसे टेलीकॉम वैसा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल अपने आप वो करके करेंगे सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, तो ये बताइए मोहम्मद इमरान की 10 बजे क्या इमरान को नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज? सर मुझे हार्डवेयर में कुछ भी नॉलेज नहीं था, जीरो थे सर। जी ग्राफिक्स के बारे में आज क्या नॉलेज? मिल जाएगा तो बना देंगे सर। चलिए और बेस्ट अभी। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। विशाल है सर। विशाल, तो विशाल एशिया टेलीकॉम में आज 10 बजे विशाल को क्या नॉलेज था और अभी रात के 9 बजे क्या नॉलेज? सर पहले 10 बजे पहले ग्राफिक्स का नॉलेज नहीं था, अभी तो पूरा नॉलेज हो गया है सर। अच्छा, अगर आपके पास कोई सा भी हैंडसेट आता है तो मैं बना सकता हूँ सर? रिटर्न जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, नहीं जाएगा। गारंटी के साथ? गारंटी है सर। चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। जी तरुण। जी तो तरुण, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई कि अगर ग्राफिक्स की अगर सीपीयू की लाइन खराब हो तो बना सकते हो आप? जी सर। सीपीयू की लाइन कौन सी आती है, क्या आती है, इसकी पहचान है आपको? जी सर। जी सर, इसके पूरी जानकारी आपको? हाँ जी। रिसेट की लाइन अगर आपकी मिस हो गई तो आप रिवर्स टेक्निक से आप उसको निकाल सकते हो? जी सर। विदाउट डायग्राम के? जी सर। डाटा शीट है, अगर डाटा शीट मिल जाए हमको आईसी की तो हम रिवर्स ट्रेसिंग कर सकते हैं? जी सर, कर सकते। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि अभी हैंड स्किल की बात करूंगा तो हैंड स्किल क्या है अभी? जी बढ़िया है सर, मतलब अभी डबल टेकर की थी हमने। जी जी, निकाला लगाया और सीपीयू पहले किया था, उससे पहले पावर आईसी किया था, सही निकाला जी भाई, जिंदा फोन पे निकाला, जिंदा फोन पे लगाया। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है मेरे साथ, चलिए तो आप प्लीज अपना नाम बताइए। मेरा नाम अतुल है और मैं मेरठ से आया हूं। अतुल, ये बताइए मुझे कि एशिया टेलीकॉम में अतुल को 10 बजे क्या नॉलेज था? अतुल आप मेरठ से हो, चाहते तो दिल्ली के किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। आपने भरोसा एशिया टेलीकॉम पे दिखाया, तो आप ये भरोसा जो एशिया टेलीकॉम में आपने दिखाया वो भरोसे पे एशिया टेलीकॉम कहाँ तक लेके गया? बिल्कुल खड़े उतरे हैं, बिल्कुल हमारे भरोसा बिल्कुल अच्छा निकला सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज दी है। या आईपीएस डिस्प्ले के बारे में डायग्राम बनाया था, कितना इनपुट आता है, कितना इनपुट निकलता है, और मीपी के लाइनों का डीएसओ से चेक करवाया था और हमको इसका बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है सर। तो अगर अभी अभी हमको ग्राफिक्स से प्रॉब्लम आती है जी सर, तो किसी भी टाइप का आईसी लगा हो तो हम बनाने में बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल। तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। जीतेश। जीतेश, ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका ग्राफिक्स का क्लास 10 बजे, जीतेश को क्या नॉलेज था और अभी रात के 9 बजे क्या नॉलेज? पूरी लाइनें जैसे करवाई हैं आज, उससे ही मैंने आईसी निकाली थी सर, पूरी एक एक लाइनें चेक कराएं बकायदा मैंने आईसी निकाली। आपने डीएसओ का इस्तेमाल करके क्लियर कराया? हाँ। आपको कहाँ पे डीएसओ का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है? सब हो गया। चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है, बताइए। जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं राजस्थान से। जी आज हमारा ग्राफिक आईसी का सेक्शन था, तो मैंने खुद ने स्वयं से ये डायग्राम बनाया, पूरा समझ के बनाया, पूरा समझ के, पूरा ए टू जेड समझ के बनाया। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो डिस्प्ले कनेक्टर, सीपीयू, सीपीयू, आप ग्राफिक्स आईसी, ये पूरे दिमाग में बैठ गई है? बिल्कुल सर, मैं कितनी में ग्राफिक्स बना सकता हूं 10 मिनट, एक एक लाइन विद कंपोनेंट के, एक एक कंपोनेंट विद वोल्टेज के, विद वोल्टेज विद फ्रीक्वेंसी के। बिल्कुल सर, डीओ से सबसे चेक करके बना सकता हूं सर। तो इतना कॉन्फिडेंस 60वें दिन कैसे बना? यहां का टेक्निक अलग है सर, यहां मैजिक है, बिल्कुल सिखाने का तरीका बिल्कुल मैजिक है। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। धीरज, कहाँ से आप? धीरज बिहार से। आप बिहार से इतनी दूर से, चाहते तो बिहार में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना, आप वहाँ जा सकते थे, दिल्ली नजदीक था, वहाँ जा सकते थे, फिर एशिया टेलीकॉम क्यों? एशिया टेलीकॉम क्यों? यहाँ पे जो जिस चीज के लिए आया था सर, वो मुझे यहाँ मिल रहा है, वो चीज मिल रही है आपको। अगर मैं हम लाइनों की बात करें और लाइनों के साथ अभी देखो प्रोग्रामिंग की और सॉफ्टवेयर की क्लास अभी आपकी बाकी है, बाकी क्लास है। अगर मैं लाइनों की बात करूं मैं और प्लस मैं हैंड स्किल की बात करूं अभी, तो हैंड स्किल कैसा हो गया और लाइनों का नॉलेज कैसा है? बिल्कुल सर, 100%। क्या ये इंस्टीट्यूट स्केमेटिक से पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है? नो सर, कि खाली स्केमेटिक स्केमेटिक और स्केमेटिक ही होता है? नो सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है और लाइन का भी नॉलेज बहुत अच्छा दिया जाता है। तो लाइन का थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है और हैंड स्किल का भी रोज काम होता है, हैंड स्किल का कंटिन्यू काम होता है, कंटिन्यू काम होता है, डेली काम होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। अर्जुन सिंह है, नाम है। अर्जुन सिंह, अभी तक ईमानदारी से बताओ 7 दिन में कितने आईसी को निकाल के लगा के और रिवॉल्व कर चुके हैं? ईमानदारी से मैं कई फोनों को फिट करके ऑन करके चेक कर चुका हूँ, स्किल पे एकदम बढ़िया और सर्किट का नॉलेज एक नंबर का दिया था, सर्किट का नॉलेज एक नंबर था। जो जो भी हमारे सेक्शन में, अगर मैं आज आपसे बात करूं, आईपीएस का ग्राफिक्स हुआ था, हम चीजों को आसान तरीके से सिखाते हैं, है ना। हमने डिस्प्ले का जो सेक्शन है उसको 4 भागों में तोड़ा जी सर, सिर्फ एक भाग मिला है आपको, अभी 3 बाकी है, अभी कितने बाकी है? 3 आपके बाकी है जी सर। तो जो आज आपका पहला नॉलेज मिला है वो एंडलेस नॉलेज मिला है कि नहीं मिला है? एंडलेस इंडलेस मिला, बहुत बढ़िया मिला, कोई भी फोन टेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट करके फोन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सूरज सर। सूरज, तो ये बताइए कि 10 बजे सूरज को क्या नॉलेज था और रात के 11 बजे क्या नॉलेज? सर हम बोलना चाहेंगे 0 से 0। जीरो से? जीरो से हीरो। आप कहाँ से बेसिकली? नेपाल से। नेपाल से, तो नेपाल के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अपनी भाषा में नेपाल वालों को क्या बोलना चाहिए? यही भन्न चाहन्छु कि नेपालमा 33 स्किल पाउन सक्दैन, तर यहाँ चाहिँ जबलपुरमा सबभन्दा राम्रो स्किल पाइरहेछ आज मलाई।
अच्छा तो यहाँ पर नेपाल से जबलपुर आने में कोई दिक्कत है, रहने खाने में कोई दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है क्या? पढ़ने में दिक्कत है, आदमी बिंदास आ सकता है? ट्रांसपेरेंसी कितनी है क्लास में बैठाने से पहले एक एक चीज क्लियर करेंगे ना? सच्चाई के साथ बैठाया था ना, जो सच्चाई के साथ बिठाया था वही सच्चाई के साथ आपसे काम करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। और अब ये बताइए की आप सूरज सर आपकी हैंडल स्किल कैसी है और लाइनों का नॉलेज कैसा है? बोल नहीं सकते सर, हैंड स्किल पूरा फ्री हो चुका है, डेली का डेली हैंड स्किल का काम हो रहा है, उस साथ साथ आपको ट्रेसिंग का काम और थ्योरी का काम, थ्योरी का भी क्लियर है हमारा? जी हाँ, है ना, थ्योरी भी क्लियर होती है, वहाँ से थ्योरी पढ़ के आते हैं उसका प्रैक्टिकल होता है, प्लस जो वहाँ से पढ़ाया है उसका प्रैक्टिकल बोर्ड पे होता है, और बोर्ड पे प्रैक्टिकल के बाद हैंड स्किल होता है, जरूरी है कि नहीं जरूरी? 12 घंटा कंप्लीट होता है, 12 घंटे कंप्लीट होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, मैं खाली कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इनके मुंह से इनकी जबान से ही पूछना चाहूंगा, भाई बताइए आज आपका ग्राफिक्स का क्लास बताइए। आज हम लोग एलसीबी का ग्राफिक्स का क्लास था और सैम ने बहुत डीप नॉलेज दिया, जो कोडिंगों से और स्कीमेटिक से जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, जो पीसीबी का हर एक सेक्शन को पढ़ाया गया, कहाँ से कौन सा लाइन आएगा, कहाँ से कौन सा वोल्टेज आएगा, क्या कहाँ से क्या जीआर मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी यूजेस है चेक करवाया, डीप नॉलेज दिया और डबल टेकर का भी काम करवाया। तो अभी ये बताइए कि शुरू से ही मतलब आप तीसरे चौथे दिन रहे, पावर लगा के बैठे हो, सीपीयू लगा के बैठे हो, दुनिया का कोई सा भी सीपीयू डेली रिवॉल्व कर रहे हो? यस सर, डेली रिवॉल्व कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। आज ज्वेल लेकर में भी हमने काम किया है ना, और कल और एक स्पेशल काम करेंगे जो मैं आज नहीं बताना चाहूंगा आपको, कल ही बताऊंगा है ना, कल भी स्पेशल काम करना करवाऊंगा आपसे मैं। तो अगर इसको कंपेरिजन करें और अगर कोई फ्रेशर बच्चा अगर आपका वीडियो देख रहा है तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वेस्ट बंगाल से? अगर कोई फ्रेश बंदा देख रहा है तो मैं उसे कहना चाहूंगा वो देर ना करें, अभी उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप भी यहाँ जीत कर सकता है और ज्वाइन कर सकता है। कर सकता है कि करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, 100% करना चाहिए, 100% करना चाहिए। मैंने बहुत देर कर दी आने में, आपने बहुत देर कर दी, उसके लिए आपने दिक्कत उठाई, अगर आप 2 साल पहले या साल भर पहले आगे बहुत फायदेमंद रहता, बहुत आगे चला जाता, बहुत आगे चले जाता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बता दीजिए अपना। शशिकांत गुप्ता। अगर मैं हैंड स्किल की बात करूँ तो अभी हैंड स्किल में और लाइनों का नॉलेज करूँ बात करूँ तो क्या क्या है शशि गुप्ता में, क्या हैंड स्किल भी बहुत अच्छी है? अच्छा, आज से पहले जीवन में आपने इस टाइप के काम किए थे क्या? कभी स्टेंसिल से रिवॉल्व किया था? कभी एक आईसी को निकाल के लगाया था? कभी डुअल टेकर को रिवॉल्व करा था? कभी रैम निकाला था? कभी रैम को रिवॉल्व किया था? सर हमने कुछ भी नहीं किया, लाइनों के बारे में मल्टीमीटर के बारे में जानकारी थी, आज डीओसी के बारे में जानकारी है। 7 दिन में इतना सब कुछ अचीव है ना, और उसके बाद अभी ग्राफिक्स का अगर कोई सेट आता तो बनाने में सक्षम है। अच्छा, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मनोज को दीपी ने। तो 10 बजे वाले मनोज में और अभी रात के 9 बजे वाले मनोज में क्या क्या फर्क? 10 बजे जीरो थे, अभी हीरो है। जीरो थे, जीरो से हीरो है। जी सर। तो अभी ये बताइए मुझे कि अभी हैंड स्किल की बात कर रहे हैं, लाइनों की बात कर रहे हैं, वो जो सेक्शन वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग सेक्शन में पढ़ाया जा रहा है, आज आपका ग्राफिक्स का सेक्शन था, तो बताइए मेरे को कि आप अभी ग्राफिक्स को कौन सा भी बोर्ड आता है तो बनाने में सक्षम है? बिल्कुल सर, हैंड स्किल तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई जी, 7 दिन में अभी बहुत काफी दिन अभी काफी दिन बाद जी 7 दिन में ये हो गई। एशिया टेलीकॉम फेमस है प्रैक्टिकल के लिए, इसके लिए एशिया टेलीकॉम फेमस है मिस्टर देवर्धन अग्रवाल के लिए, पीछे दिख रहे हैं आपको है ना? Yes, sir. तो उनके लिए फेमस है ये? Yes, sir. है ना, उनसे फेमस है। तो अब ये बताइए मेरे को कि जो उनका आपका फायदा उठाया कि नहीं उठाया उनका? Yes. काफी फायदा उठाया, फायदा उठाया कि नहीं उठाया? और हैंड स्किल का फायदा उठाया कि नहीं उठाया? बिल्कुल। आज आप अगर ट्यूजर पकड़ना कैसे पकड़ना ये भी सिखाया, कैसे बैठना ये भी सिखाया, माइक्रोस्कोप कैसे रखना ये भी सिखाया, पकड़ना बताया। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों क्षेत्रों में हमारी बराबरी है, लाइनों का नॉलेज और हैंड स्किल। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। फाजिल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राठी। आप दोनों से एक प्रश्न मेरा, आज आपका ग्राफिक्स का क्लास था, सवेरे ग्राफिक्स में क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज? जीरो था, नहीं था सवेरे, जीरो था, अभी हीरो हो गया। अभी जीरो था, अभी हीरो हो गया। अभी कोई सा भी ग्राफिक्स का मोबाइल आया तो बना सकते कि नहीं? बना सकते हैं। आपको एक एक वोल्टेज मालूम है? यस सर। कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है मालूम है? आप डायग्राम के साथ भी बना सकते हो, बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं। अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेट की लाइन ढूंढने का बोलूं और आपको डायग्राम नहीं दूं तो कोई से भी बोर्ड में से रिसेट की लाइन ढूंढ सकते हो? रिवर्स ट्रेसिंग आती है? आती है। चलिए ठीक, थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर मेरा नाम संतोष कुमार है सर। आपका नाम संतोष कुमार, और आपका नाम क्या है? और आपका नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। तो संतोष ये बताइए मेरे को कि कितने समय से आप मोबाइल के फील्ड में हैं? सर मेरे को हो गए 7 से 8 साल। तो संतोष जो परफेक्शन अभी 7 दिन में आया, क्या वो 7-8 साल में परफेक्शन था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था, वो 7-8 साल सर ऐसे ही होता था सर। अब यहाँ का जो तरीका है बताने का, सिखाने का, सबसे बेस्ट मानता हूँ सर। सबसे बेस्ट मानते हो? तो आप राजस्थान से हो संतोष, तो आप ये बताओ कि अगर राजस्थान से अगर तुमको कोई देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, तो उसके लिए क्या बोलोगे? बिल्कुल बिना सोचे समझे ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर देना चाहिए, कर लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो सर। उसकी जमानत कौन लेगा कि आप लेना चाहोगे? सर आप लेना चाहोगे? सर आप जो देख रहे हो
जो सुन रहे हो तो फिर भाई आप लेट मत करो, जब हमारा स्टूडेंट आपकी जमानत लेना चाह रहा है तो फिर ऐसे टेलीकॉम क्या देगा। बिल्कुल सर, ज्वाइन करना चाहिए उसको बिना सोचे समझे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। प्रदीप कसा, उड़ीसा से। प्रदीप देखो काफी समय से काम कर रहे थे आप, अच्छा भी काम कर रहे थे, उसके बाद भी क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो? सर ऐसे लाइन का बहुत प्रॉब्लम था और इतना टिपिकल प्रॉब्लम आता था जो क्लियर नहीं होता था, लेकिन सर आज जो क्लास में अटेंड किया हूँ उसके बाद ग्राफिक्स का कोई भी फॉल्ट आए मैं कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? ये तरीका सर अलग है, बहुत अलग है। थैंक यू वेरी मच। और प्रदीप अगर उड़ीसा से कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उसको? सर उड़ीसा से मैं जो बंदे भी अभी भी सोच रहे थे जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो बहुत देर हो गया है, आप जल्दी आ जाइए क्योंकि मेरी तरह आप हैरान हो गए, बहुत परेशान होंगे। थैंक यू वेरी मच। चलो तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मैं थोड़ा इनके थोड़ा दूरी से बात करूंगा इनसे, बाकी इसलिए बात करूंगा कि अभी वहाँ पर बैठे हैं। तो ज्ञान ये बताइए मेरे को कि 28 तारीख वाले ज्ञान में और अभी के ज्ञान में मेरे भाई क्या फर्क है? क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहां बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर, सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20,000 से 80,000 तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।